दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। दो जगह जहरीली शराब से अब तक 14 लोगों की मौत, 3 थाना प्रभारी और 9 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। रायखेड़ा उपखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद कस्बे सहित 2 अन्य जगहों पर जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया है। शमशाबाद के स्थानीय रिपोर्टर अमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिन से जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। साथ ही बताया कि शमशाबाद कस्बे के गांव गड़ी जहान सिंह से 4 व मेहरमपुर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा डोकी के गांव कोलारा कला से 4 तथा थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव देवरी में 4 लोगों की जहरीली शराब के कारण मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 3 थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही पूरे मामले में जिला आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों ने आबकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों ने राज्य सरकार की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं व नाराजगी जताई है। आबकारी टीम ने अथकड़ शराब की भट्टियों को तोड़ा, 5000 लीटर बास्की नष्ट। धौलपुर भरतपुर की टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। आबकारी विभाग भरतपुर एवं जिला आबकारी टीम धौलपुर ने आज शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव आदर्श नगर पचगांव में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। साथ ही बड़े पैमाने पर हथकड़ शराब की भट्टियों को तोड़कर 5000 लीटर बास्को नष्ट किया। वहीं टीम ने मौके पर 72 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर 400 लीटर बास्को भी जब्त किया है। अचानक हुई कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है तथा 4 आरोपियों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है। जौन भरतपुर के आबकारी अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि हाल ही में धौलपुर सीमा से लगे आगरा जिले में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हुई है। आगरा की घटना के बाद आयुक्त के निर्देश में आबकारी विभाग को शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हथकड़ और जहरीली शराब पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर आबकारी विभाग की टीम ने धौलपुर आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर सदर थाना क्षेत्र के गांव आदर्श नगर पचगांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां शराब तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर हथकड़ शराब बनाई जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर शराब की 1 दर्जन भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया है। 5000 लीटर बास्को भी मौके पर ही नष्ट किया गया है। उसके साथ 72 लीटर हथकड़ शराब एवं 4000 लीटर बास्को भी जब्त किया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई को देखकर शराब माफिया कारोबार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। 4 शराब माफियों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। हमारे आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश थे और यूपी में आगरा जिले में कुछ गांवों में अवैध शराब से करीब 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सावचेती के हिसाब से बॉर्डर के इलाके में रेड गश्त करने के निर्देश थे। उनके निर्देशों की पालना में श्रीमान नायक महोदय के निर्देशों की पालना में जिला आबकारी अधिकारी श्री अमरजीत जी और उनकी सारी टीम और भरतपुर के जाप्ते के साथ हमने धौलपुर के पास आदर्श नगर पंचगांव है उसमें कार्रवाई की है। वहाँ 72 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर 5000 लीटर वास नष्ट किया गया है। 400 लीटर वास को भी जब्त किया गया है और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अभी हम हमारी कार्रवाई जारी है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में हम जहां जन से अपील कर रहे हैं, मुनादी करवा रहे हैं और पंपलेट का भी वितरण कर रहे हैं, जिसमें यह निवेदन किया जा रहा है जनता से कि भाई अनाधिकृत रूप से बेचे जाने वाली शराब का आप सेवन नहीं करें। अधिकृत मदिरा दुकान से ही शराब परचेज करके और उसका सेवन करें। तो आम जनता से बार बार आग्रह भी किया जा रहा है और हमारी गाड़ियां माइक लगा के और गांव में घूम रही हैं, नियमित रेड गश्त भी की है। कितने लोगों ने कार्रवाई की है, मामले दर्ज किए हैं और सर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं नामजद और 10 भट्टियाँ नष्ट की गई हैं, 5000 लीटर वाश नष्ट किया गया और हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई। वो मुलजिम हमें देख के भाग गए, बाकी कुछ संदिग्ध लोगों को हम लाए थे पूछताछ करने। जांच चल।
नगर परिषद धौलपुर की सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त। सभापति खुशबू सिंह ने किया नया प्रयोग, सफाई कर्मियों ने किया निर्णय का स्वागत। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने नया प्रयोग करते हुए तथा सफाई कर्मचारियों की घोषणा से मुक्त कराने के लिए सफाई कार्य में ठेका प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया है, साथ ही आधुनिक मशीनों से सफाई कराने का निर्णय लिया है। इस पर आज शुक्रवार को सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा में सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि सभापति खुशबू सिंह ने निर्णय लिया है कि सफाई ठेका प्रणाली को समाप्त करते हुए अपने कर्मचारियों से पूरे शहर की सफाई कराई जाएगी। इसके अलावा आधुनिक मशीनों को मंगवाया जाएगा जो सफाई कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगी, उनसे सफाई करवाई जाएगी। इस पर निशांत सिंह ने सफाई कर्मचारियों व अधिकारियों से राय जानी, जिस पर कुछ कर्मचारियों ने अपनी राय रखी, जिस पर सिंह ने अमल करने का आश्वासन दिया। वहीं कुछ सफाई कर्मचारियों ने कहा कि ठेका प्रथा से सफाई कर्मचारियों का शोषण होता है। सभापति खुशबू सिंह का यह कदम सराहनीय है। सभापति प्रतिनिधि ने बताया कि झाड़ू लगाने वाली मशीन व लोडर मशीन मंगवाई जाएगी, ट्रैक्टरों और कुछ मशीनों का मेंटेनेशन करवाया जाएगा, कचरों के ट्रैक्टरों पर लगेगी त्रिपाल। सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि सभापति ने निर्देश दिए हैं कि जो भी ट्रैक्टर गंदगी एवं कचरों को ढोते हैं वे अब त्रिपाल से ढककर गंदगी को ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुले में ट्रैक्टरों से गंदगी को ढोने से शहरवासियों को दिक्कत आती है, उसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। बैठक में अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंघल, प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रजभान गुर्जर, जमादार मोहन, चिंतामणि, अमर, विनोद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ब्रज विश्वविद्यालय ने दो पेपर किए निरस्त, दोनों की नई तिथि घोषित। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं उनका दिनांक 27 अगस्त 2021 का पेपर विश्वविद्यालय द्वारा अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दो पारियों में परीक्षा कराई जा रही है। प्रातः 8 बजे से बीए पार्ट थर्ड की परीक्षा हो रही है तथा दोपहर 1 बजे से बीएससी तथा बीकॉम की परीक्षा हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2021 को होने वाले दोनों पारियों के पेपर को निरस्त कर दिया गया है। प्रथम पारी में जो पेपर आयोजित होना था वह विश्वविद्यालय द्वारा अब 9 सितंबर 2021 को प्रथम पारी में आयोजित कराया जाएगा। वहीं द्वितीय पारी में जो पेपर आयोजित होना था वह विश्वविद्यालय द्वारा अब कल 28 अगस्त 2021 को दोपहर 1 बजे से आयोजित करवाया जाएगा। धौलपुर शहर के कई इलाकों में शनिवार को 4.25 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर एवं 33 केवी मेन सबवायर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 28 अगस्त शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले 33 केवी धौलपुर के धौलपुर शहर, भामतीपुरा, लाल बाजार, पुराना शहर एवं जगन टॉकी, 33 केवी डीपीसीसी चंबल के भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट तथा 33 केवी कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट, जगदीश कॉलोनी तथा मित्तल कॉलोनी धौलपुर क्षेत्रों की बिजली 28 अगस्त को सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश त्राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल जॉनी। मोबाइल नंबर 70 14 27 82 00।
अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गाँव के बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश देने की मांग, ग्रामीणों ने किया संघर्ष समिति का गठन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में मर्ज कर दिया गया है। इसे लेकर आज शुक्रवार को ग्रामीणों की पुरानी छावनी में बैठक हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम कर देने से हिंदी माध्यम खत्म कर दिया गया है तथा दूसरा पुरानी छावनी गाँव के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों को 5 किलोमीटर दूर सूरजपुर एवं पचगांव गाँव में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। इससे अभिभावकों में नाराजगी है। बैठक में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। बैठक में लोगों ने मांग की है कि पुरानी छावनी गांव में वर्षों से स्थापित विद्यालय को खत्म नहीं किया जाए और यदि अंग्रेजी माध्यम में मर्ज किया गया है तो छावनी गाँव में बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाए। लोगों का कहना है कि छावनी गाँव में स्थित विद्यालय में जब गांव के ही बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो ऐसे विद्यालय से गांव के लोगों का लगाव नहीं रहेगा। लोगों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में गांव के बच्चों को करीब 5 किलोमीटर दूर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। इस विद्यालय में गांव के काफ़ी लोग पढ़े हैं जो आज उच्च पदों पर भी हैं। लोगों की मांग है कि गाँव को विद्यालय से खत्म न कर गाँव के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। बैठक में लोगों ने निर्णय लेते हुए एक संघर्ष समिति का गठन किया है जो जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देगी। बैठक में बदन सिंह पूर्व प्रधानाध्यापक, पूर्व सरपंच दिनेश शर्मा, अशोक गुर्जर, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पवन शर्मा, सगीर खान, बॉबी शर्मा, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, बंगाली यादव, फिरोज खान, बलवीर कोहली, बनवारीलाल गुर्जर, भोला, डॉक्टर दिनेश यादव, संजय त्रिवेदी, छोटा राठौर, रिंकू बोहरा, राजेश्वर शर्मा, संग्राम राणा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने किया सरमतरा क्षेत्र का दौरा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज शुक्रवार को सरमतरा क्षेत्र का दौरा कर राजकीय महाविद्यालय सरमतरा के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वन विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मौके पर पहुँच निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर SDM मनीष कुमार जाटव, तहसीलदार सरमतरा अमित शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज की हमारी विजिट है, प्रशासन गांव की ओर अभियान चल रहा है, उस शिकायतें भी समाचार पत्रों में थी कि जमीनों पर अतिक्रमण है, तो इस हिसाब से हमने विचार विमर्श किया, एक टीम का गठन किया गया था, कुछ स्थानों पर उन्होंने फरमाइश की है जिसमें प्रथम दृष्टा की जा रही है कि फॉरेस्ट के ज़मीन पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किए हैं और हमने इसमें टीम और भी 2 दिन लगातार कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास ये कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन है फॉरेस्ट के पर्पज़ के लिए संरक्षित रहें, यदि कोई कब्जे हैं तो संबंधित विभाग के माध्यम से इनको कटवाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने कॉलेज के लिए भी गोदानी रोड पर ज़मीन को हमने देखा है और काफ़ी अच्छी ज़मीन है, तो उसका भी हम लोग उससे निगरण करें। बाकी कैंप के हिसाब से आगामी क्या कार्रवाई करनी है उसका हम लोग पूरा ब्यौरा देख रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी हम लोगों ने चर्चा की है, आज विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सारे के मौके पर मैं गया था, करीब 3 लोगों ने वहाँ पत्थर डाले हैं। स्थानीय स्तर पर पत्थरों का एक कंपटीशन सा शुरू हो गया है, पत्थर एक डाल रहा है, फिर दूसरा डाल रहा है, फिर तीसरा डाल रहा है। फॉरेस्ट से हम अनुरोध कर रहे हैं तो उसमें करेंगे कार्रवाई करेंगे, फॉरेस्ट से कहेंगे इसमें FIR दर्ज करेंगे। ये पत्थर हैं लेकिन पत्थर भी कब्जे का प्रयास कह सकते हैं, तो हम लोग साहब को हमने कहा सजगता से इसका निस्तारण किया जाए, जो भी होगा कानून अपना कोर्स लेगा। मनिया पुलिस ने कंटेनर ट्रक से 32 गोवंश कराए मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया है, साथ ही 32 गोवंश को मुक्त कराकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोवंश तस्कर टोंक जिले से 32 गोवंश को कंटेनर में भरकर बालाघाट मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि आज शुक्रवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी से गोवंश से भरा हुआ कंटेनर ट्रक आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ निकला है। मुखबिर की सूचना पर बरेठा पुलिस चौकी पर इंचार्ज अजय सिंह के नेतृत्व में अवरोधक लगाकर सघन नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान कंटेनर गाड़ी धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो चालक ने गाड़ी को भगाने का भी प्रयास किया,
लेकिन अवरोधक लगाकर पुलिस टीम ने गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान तीन आरोपी गाड़ी से कूदकर जंगलों में पार्वती नदी की तरफ फरार हो गए, लेकिन पुलिस टीम ने एक आरोपी 28 वर्षीय नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 21 टोड़ा राय सिंह जिला टोंक राजस्थान को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी टोंक जिले से गौवंश कंटेनर में भरकर इटावा होते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 32 गौवंश की जान बचाकर मुक्त कराया है, जिन्हें धौलपुर गौशाला में सुरक्षित सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तीन व्यक्ति बालिक फसल पर से बालिंग सफल है, एक व्यक्ति जो चालक था उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नवाब मोहम्मद खुद शकुर मोहम्मद जाति मुसलमान देश वाली उम्र 38 साल निवासी देश वालियों का मोहल्ला वार्ड नंबर 21 टोड़ा राय सिंह थाना टोड़ा राय सिंह टोंक जिले का होना बताया है। इसके जो तीन साथी हैं वो भी फरार हुए हैं। ये लोग चाकसी के पास से नाबालिग ने लगाई फांसी, पुलिस को शव लाने में करनी पड़ी भारी मशक्कत। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज शुक्रवार दोपहर को एक नाबालिग युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिलाओं ने शव को नहीं ले जाने दिया। इस पर पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 17 वर्षीय शिवा तोमर पुत्र हरिंदर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर नंबर 3 धौलपुर ने आज दोपहर को अपने ही घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता परिजनों को लगा तो चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घर की महिलाओं ने सबको अस्पताल नहीं ले जाने दिया, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस, सागरपाड़ा पुलिस चौकी और महिला पुलिस का जाब्ता मौके पर बुलाया गया। तब कहीं जाकर करीब एक घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लिया और जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मर्ग दर्ज कर ली है। तहरीर में परिजनों ने बताया है कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बहन की गमी में गए भाई का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर गुरुवार शुक्रवार की रात को 40 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त होने पर परिजनों को अवगत कराया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने आज शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। निहालगंज थाने के पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि 40 वर्षीय अरविंद सिंह पुत्र नरोत्तम ठाकुर निवासी कच्चा कापुरा दिमनी मुरैना अपनी बहन का निधन होने पर आगरा जिले के जकनेर थाना इलाके के तांतपुर बसई गाँव गया हुआ था, जहाँ से युवक वापस लौट रहा था, लेकिन धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर बीती रात को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव गुलाबबाग चौराहे पर धौलपुर पर पड़ा हुआ था, जिसे देख स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक अनुसंधान में बीमारी के चलते मौत होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने प्रकरण में मर्ग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तबीयत अचानक ख़राब होने से मौत हो गई। उसके बाद में आया, देखा तो रक्त शरीर में। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहां स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी
महिला महाविद्यालय थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषिव कॉन्वेंट स्कूल बिजली घर रोड भामतीपुरा धौलपुर। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। टेंडर प्रक्रिया को लेकर सरपंचों ने जताई नाराजगी, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सरपंच संघ धौलपुर के अध्यक्ष रामनाथ पोषवाल के नेतृत्व में आज शुक्रवार को करीब एक दर्जन ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टेंडर प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। ज्ञापन में सरपंचों ने बताया कि पहले ग्राम पंचायत स्तर पर टेंडर प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब पंचायत समिति स्तर पर करवाई जा रही है, जिसमें सरपंच और सचिव को पूछा तक नहीं जा रहा है। बिना सरपंचों को बताए पंचायत समिति स्तर पर 17-20% तक कम रेट में टेंडर किए गए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों में विकास संभव नहीं है। इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर सरपंचों ने विरोध जताया है, साथ ही जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस प्रक्रिया में सरपंच और सचिव को भी शामिल किया जाए और उनकी देखरेख में ग्राम पंचायत स्तर पर ही टेंडर करवाए जाएं। रामनाथ पोषवाल, जिला अध्यक्ष धौलपुर सरपंच संघ। हमारी जो पंचायत समिति में टेंडर हुए हैं ग्राम पंचायतों के, उनका अध्यक्ष सरपंच होता है। ये टेंडर ग्राम पंचायत पर ही कराए जाए, ठीक है। मैं धर्मेंद्र, ग्राम पंचायत टाणा सरपंच। आज हमने जो टेंडर प्रक्रिया 22 तारीख से लागू हुई थी, 2 तारीख को एडिट खोलने की प्रोग्राम था, उसको लेकर आज 17 दिन बढ़ा करके उसने जो एडिट वीडियो व सामने अतिरिक्त में जो छुपा के रखा, 2 तारीख से आज 27 तारीख हो चुकी है। आज भी दो तीन पंचायतों की ऐसी पड़ी हैं ताकि अभी मालूम नहीं है। इसमें ला करके क्या हुआ है कि 17-20% तक बिलो टेंडर खोले गए हैं। जो पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, ताकि जो टेंडर प्रक्रिया का अध्यक्ष सरपंच होता है, सचिव सदस्य होता है, इनको किसी को पूछा नहीं गया है। इसी को लेकर आज हम सभी ग्राम पंचायत से, सभी सरपंचगढ़ हम यहाँ पर मौजूद हुए, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है और हम विकास अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे, CEO साहब को भी ज्ञापन देंगे और सबको हम इसी के लिए सूचित कर रहे हैं कि हम 17% अगर बिलो हमारी पंचायत में रहे तो हम विकास कैसे करें। बेटे की ससुराल गमी में जा रहे 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी सरमथरा के बीच सुनीपुर गांव के पास बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। सूचना पर हाईवे की एम्बुलेंस 1033 से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद एक घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, अन्य का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सरमथरा के भेड़ का पूरा गांव निवासी मुरारी अपने परिजन श्रीपति और देवी सिंह के साथ बाड़ी के वटेश्वर गाँव में बेटे की ससुराल में गमी में शामिल होने जा रहा था। हाईवे पर सुनीपुर गांव के पास जैसे ही वे आगे बढ़े तो एक बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें से मुरारी पुत्र सुगन जाटव की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर हाईवे की 133 के एम्बुलेंस चालक जनक सिंह ने इलाज के लिए उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारी ऑफिस है सुनीपुर के पास, वहाँ पर ओवरटेक करने से बाइक स्लिप मार गई, तो वहाँ पर हमको सूचना को दी नहीं थी, हमको देख के उनको गाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आप किस से हो? 1033 एम्बुलेंस, हाईवे की जो एम्बुलेंस, हाँ हाईवे वाली से।
चंबल लिफ्ट की लाइन डालते समय तोड़ी पानी की पाइपलाइन। तीन गांव में 5 दिन से पेयजल सप्लाई ठप, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। धौलपुर और राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी में सिंचाई तथा पीने के लिए चंबल का पानी उपलब्ध कराने के लिए धौलपुर से राजाखेड़ा तक चंबल लिफ्ट परियोजना की लाइन डालने का कार्य इन दिनों चल रहा है, लेकिन लाइन डालने वाले कार्मिक लापरवाही से कार्य कर रहे हैं और अन्य जरूरी विभागों से सामंजस्य न बनाकर कार्य कर रहे हैं, जिस कारण जाटौली गांव के पास कई दिन पहले जलदाय विभाग की पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे तीन गांव में पिछले 5 दिन से पेयजल सप्लाई ठप है। इसे लेकर आज शुक्रवार को ग्रामीणों ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समस्या समाधान का आश्वासन देकर शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि जाटौली गांव के पास चंबल लिफ्ट परियोजना की लाइन डालने वालों ने पेयजल की लाइन को तोड़ दिया है, जिस कारण जाटौली, लोहारी एवं बैबलपुर गांव में 5 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं हुई है, जिससे लोग पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का कथित आरोप है कि जलदाय विभाग से बिना अनुमति लिए चंबल लिफ्ट योजना की लाइन लापरवाही पूर्वक तरीके से डाली जा रही है, जिस कारण पाइपलाइन टूटी हुई है। यदि यह जलदाय विभाग से सामंजस्य बनाकर कार्य करते तो पाइप लाइन नहीं टूटती और ग्रामीणों को नियमित पेयजल सप्लाई मिलती तथा परेशान नहीं होना पड़ता। ये जो नहर का यहाँ पर जो काम हो रहा है वो नियम विरुद्ध काम हो रहा है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहर का काम नहीं चल रहा है। इस कारण हमें बहुत बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जाटौली में PHED की स्कीम से 3 गांवों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन 5 दिन से नहर विभाग के कारण ये ध्वस्त पड़ी हुई है। ना ही नहर विभाग ने अपने PHED विभाग से कोई परमिशन ली है और ना ही कोई NOC ली है। तो विदाउट NOC के ये काम हो रहा है, यहाँ पर मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे हमें गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पेयजल के लिए कितने दिन से हो रही है? आज 5वां दिन है पेयजल के लिए। हाँ, हमने PHED AN श्री विजय कुमार जी को अवगत कराया था, तो विजय कुमार जी बोले कि ये नहर के कारण लाइन ध्वस्त हो गई है, इस कारण हम पानी सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हमारी मांग ये है कि हमारा जो सप्लाई है नल की, वो बराबर आनी चाहिए। आज से करीबन 4 या 5 दिन से सप्लाई नहीं हो रही है और इनको कल बताया भी था तो इनने पूरी हमारी जो लाइन है वो ध्वस्त कर दी है और ये अपना काम कर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी बस बराबर पानी आना चाहिए नलों में। वो नियमों के विरुद्ध चल रहा है, उसके अलावा जो पेयजल जो सप्लाई थी उसकी भी कई दिन तोड़ दी गए हैं, क्या कह रहे हैं सर? एक्चुअली हम करी काम चालू किया है, कल एक करीब 12 बजे 1 बजे डैमेज लाइन हुआ है, उसको आज हम पहले रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही हमारा काम आगे करेंगे सर। जब तक ये गांव वाले का सोल्यूशन नहीं होगा, लाइन का कुछ फाइनल नहीं होगा, तब तक हो जाएगा सर। PHED से परमिशन ली थी खोदने के लिए? PHED से लेटर तो दिया हुआ है सर, PHED को लेटर दिया। वापस उसका जवाब आया अभी तक? उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेटर दिया हुआ है सर। सैपो के सरकारी अस्पताल में कुर्सियों से गायब रहते हैं चिकित्सक, मरीज परेशान। सैपो उपखंड मुख्यालय स्तर के हॉस्पिटल में इन दिनों चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल बनी हुई है। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप से हॉस्पिटल में मरीजों का दबाव भी बढ़ने लगा है, लेकिन कुछ चिकित्सकों की मनमानी के चलते व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। हॉस्पिटल में तैनात 5 चिकित्सकों में से परिवारी सहित कई डॉक्टरों की कुर्सियां खाली रहती हैं। लोगों का आरोप है कि यहां हर रोज कई चिकित्सक ड्यूटी समय से नदारद रहते हैं। शुक्रवार के दिन भी करीब 11 बजे OPD कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस दौरान चिकित्सकों के चैम्बर में महज एक चिकित्सक सनीश बंसल के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा था तथा अन्य चिकित्सकों की कुर्सियां खाली देखी गई हैं। ऐसे में यहां करीब 300 मरीजों की OPD का भार एक चिकित्सक पर देखा जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीजों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता की ओर से भली भांति प्रसूता वार्ड को संभाल रखा है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं तथा प्रसव के लिए आने वाली गर्भवतियों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पा रही है। तो वहीं डॉक्टर सनीश बंसल नियमित OPD में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को देखने का जिम्मा सिर्फ एक चिकित्सक पर छोड़ देने से यहां OPD कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है, जिससे मरीजों को उपचार में काफी असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं। वहीं CSC स्तर के हॉस्पिटल में CVC मशीन खराब होने से यहां लोगों को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोशित हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत खराब है सर,
और यहाँ मतलब सामुदायिक जो हॉस्पिटल है अपने सैंपुर क्षेत्र का, उसमें भारी भरकम भीड़ हो रही है। और यहाँ पर कहते हैं कि मतलब कई लोग परेशान हैं और मशीनें काफ़ी ख़राब हैं, इनको देखते हुए जनता भारी परेशान है। डॉक्टर कितने बैठे हैं यहाँ पर? डॉक्टर करीबन एक बैठा हुआ है, बाकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। कृषक गोष्ठी में किसानों को दी कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी। सरमत्रा कस्बे के उत्थान भवन में शुक्रवार को कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरमत्रा उपकंठ सहित आसपास के किसानों ने भाग लिया, जिसमें किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक, रवि फसल के सीजन में उत्पन्न तकनीकों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त करना सहित कृषि विज्ञान द्वारा किसानों को दिए जाने वाले लाभों से किसानों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सोमदत्त शर्मा कृषि उपनिदेशक, सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीणा सहित अन्य कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ सर्वत्रा में उत्थान भवन में आत्मा योजना के तहत कृषक गोष्ठी रखी गई है, जिसमें 100 किसानों को तकनीकी जानकारी दिए जाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कई फसलों के जो प्रदर्शन लगाए गए हैं उनके बारे में चर्चा किए जाने का कार्यक्रम है। ट्रेन की पटरियों पर मिला अज्ञात युवक का शव, शाम तक नहीं हुई पहचान। धौलपुर जिले के बनिया थाना इलाके के उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित रेलवे ट्रैक पर शनिवार देर शाम को एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान न होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को मनिया रेलवे स्टेशन के रेल मास्टर ने कंट्रोल रूम को एक युवक का शव पटरियों के किनारे पड़े होने की सूचना दी, जिस पर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित बरेठा चौकी पुलिस को मौके पर भेजा गया, जहां मृतक की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने आसपास के गांव में पूछताछ की। बरेठा चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि युवक के पास एक बैग मिला है, जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं। आसपास के गांव में पहचान न होने पर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में पहचान न होने के बाद मृतक के फोटो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस सोशल मीडिया ग्रुप पर भेजे गए हैं, जिसकी पहचान होने के बाद युवक की मौत के कारण का पता चल सकेगा। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। 3 दिन से SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान नेता। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग 89 वर्षीय किसान नेता रामस्वरूप वर्मा पिछले 3 दिन से बाड़ी शहर के मोदीपाड़ा स्थित एक मंदिर की कृषि भूमि को नियम विरुद्ध बेचान करने के मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मंदिर माफी की भूमि का मृतक पुजारी के परिवार द्वारा अपने नाम दाखिला कराया गया, जिसे निरस्त किया जाए। साथ में इस कार्य में लिप्त सरकारी कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रामस्वरूप वर्मा का आरोप है कि धरने के दूसरे दिन गुरुवार की शाम उनको उपखंड प्रशासन द्वारा जबरन धरना प्रदर्शन स्थल से उठाया गया है, जिसका उनकी यूनियन विरोध करती है। और आज तीसरे दिन शुक्रवार को फिर से धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय बाड़ी के बाहर शुरू कर दिया गया है। यदि उन्हें जबरन उठाया गया तो वे जयपुर जाकर कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वो मतलब ऐसा है, उन्होंने पुजारी ने जो कहा है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है और उसमें से मकान बना लिए और इसके लगा हुआ है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इसके लगा हुआ है। फिर वो लोग प्रशासन से मिलकर, इसमें विधायक भी शामिल है, हमारे धरने को ज़बरदस्ती कल उठा दिया गया, लेकिन फिर हम धरने में बैठ गए। अगर उठाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जयपुर जाके आत्मदाही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन झुकेंगे नहीं। यूनियन कभी झुकेगी नहीं, ना झुकी। ये कोतवाल था, सिपाही थे और SDM था। कितने बजे की बात है ये? बात है करीब 7 बजे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब